नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन ट्यूब पर। यूं तो हरियाणा सरकार बड़े बड़े दावे करती है, कहती है कि वो डॉक्टरों, स्टाफ, नर्सों की सुरक्षा के लिए वचनबद्ध है, उनके लिए वो जरूरी इंतजाम किए हुए हैं। लेकिन आज गोहाना के खानपुर स्थित भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज की स्टाफ नर्सों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गेट पर इकट्ठा होकर उन्होंने अपनी मांगे रखी। उन्होंने बताया कि वो किस तरह नारकीय ज़िंदगी जीने को मजबूर है और वो मौत के बीच झूल रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव उनके कुछ मेंबर हो गए हैं और किस खौफ में वो जी रहे हैं, आइए खुद जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट मुर्दाबाद, हमारा MS मुर्दाबाद, मुन्नी शर्मा मुर्दाबाद, रेनू गर्ग मुर्दाबाद, राजीव मेंद्रू मुर्दाबाद, मेडिकल स्टाफ नर्स जिंदाबाद। आपको बता दें कि मीडिया पर भी अंकुश लगाया जा रहा है, गेट से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है मीडिया को, ताकि सच्चाई बाहर ना आए। लेकिन कंचन टीवी ने जैसे तैसे करके वीडियोस के जरिए सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश की है। एडमिनिस्ट्रेशन के नारे लगाओ, हमारा प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा प्रशासन मुर्दाबाद, हमारा प्रशासन मुर्दाबाद, BPS मुर्दाबाद, BPS का डायरेक्टर मुर्दाबाद, हमारा प्रशासन मुर्दाबाद। हो गया, घबराहट होगी, हार्ट रेट उसकी बढ़ गई। मैंने उधर कंट्रोल रूम में फोन किया कि JR को भेजो, स्टाफ को दिक्कत हो रही है। कोई स्टाफ, 10 बजे मैंने फोन किया, 1:30 बजे मैं ड्यूटी ऑफ करके आ गई, कोई स्टाफ को देखने के लिए नहीं आया वहाँ पे। इससे ना क्या हो रहा है कि एक चेन बन गया हमारा। अभी तो 5 या 7 लड़कियां पॉजिटिव है, धीरे धीरे 40 लड़कियों का ग्रुप है, सब पॉजिटिव हो जाएंगे। जो पीपी किट आप डाल रहे हैं वो उस पर इतनी माइक्रोपोर लगाई जाती है, उतारते टाइम हमें पता हम उसको कैसे खींच के उतारते हैं। जो दूसरी पीपी किट आती है उसमें ना हमें सांस आता है और ना हमें उसमें कुछ सुनाई देता है, वो इतनी बेकार किट है। 3 घंटे अगर लगातार डाल ले तो हमें उसमें मतलब इतने पसीने आ जाते हैं कि चक्कर आने लग जाते हैं अंदर। हमें प्रॉपर तरीके से अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ यूनिवर्सिटी में। एक लड़की को यूनिवर्सिटी में बोलो ममता, ये नहीं पता मैंने यूनिवर्सिटी में एक रूम में 2 लड़कियों को रखा गया और तब उस वहाँ पे एक पॉजिटिव आते तो 10 मिनट के अंदर ही कहा गया कि एक कमरे में एक ही लड़की रहेगी, वॉशरूम भी 10 मिनट के अंदर अरेंज हो गया, एक साथ बैठ के खाना खाते हैं। अब जब 2 महीने से पहले कोई अरेंजमेंट नहीं था, मैंने 1.5 महीना कोविड में ड्यूटी की और कोई क्वारंटाइन उस टाइम पे नहीं मिला। डी ब्लॉक में एक स्टाफ पॉजिटिव आई, तब भी डी ब्लॉक को सील नहीं किया गया इन्होंने, और 4 घंटे बाद सैनिटाइज, और 4 घंटे के बाद सैनिटाइज किया डी ब्लॉक को, तुरंत सैनिटाइजर उनको सील कर दिया जाता है। हमारा हॉस्पिटल जब शुरू हुआ था 350 बेडेड का था, तब भी हमारे यहाँ 200 स्टाफ थी, आज 650 बेडेड है, आज भी 200 स्टाफ है। आज कोविड का पूरा हॉस्पिटल बना हुआ है फिर भी 200 स्टाफ है, वही मर जाए वही खप जाए, यहाँ पे स्टाफों की भर्ती नहीं की जाएगी, ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा ना ही रेगुलर लिया जाएगा। ये कहा जाता है कि मेरी लड़कियां, मैं 200 लड़कियों से ऐसे काम इतना बड़ा हॉस्पिटल चला के दिखाऊंगी, ये कोई हमें गधा बना रखा है, हमें आदमी नहीं समझा जा रहा। सरकार तुम्हें फड़ी के टिकट दे रही है, रोटी खाओ, टिकड़े खाओ और अपनी ड्यूटी पिटो, हमें ये जवाब दिया जाता है। हमारे साथ इतनी पार्शियलिटी की जा रही है, सभी लड़कियों की ड्यूटी नहीं लगाई जा रही, कुछ जो चहेती है उनको रखा जाए, ये ड्यूटी नहीं करेंगी, और जो पिस रहा है वो बार बार वहीं पे कोविड में ड्यूटी करता रहे। हमें तो इतनी भी वो नहीं है कि हम मीडिया को बुला के अपनी बात ही कर ले, मीडिया को गेट पे ही रोक दिया, यहाँ गेट लगा दिया, सिक्योरिटी वाले को कहा गया ना तो ये बाहर जाएंगे ना मीडिया अंदर आएगा। लड़कियाँ पॉजिटिव हुई हैं, कल वही लड़कियाँ वहीं पे इवनिंग में थी मैस में, बिल्कुल, तो इससे तो फिर पूरा सर्कल बन गया ना जिसको क्वारंटाइन होना चाहिए, इससे तो फिर 10 दिन बाद उनमें से भी पॉजिटिव आ जाएंगी, सेकंड थर्ड सैंपल सारे पॉजिटिव आएंगे, सब पॉजिटिव आएंगे। कह रहे हैं जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक ड्यूटी करो, रिपोर्ट ही नहीं आती 4 दिन में, उसके बाद वो हमें क्वारंटाइन करेंगे, और क्वारंटाइन उसके बाद होगा वो भी सबका इकट्ठा, दो का इकट्ठा। पॉजिटिव स्टाफ के डॉक्टर के साथ अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसके साथ जो भी साथी है, एक इंटर्न आ जाती है तो उसका पूरा हॉस्टल सील कर दिया जाता है। स्टाफ के साथ अगर कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उन लड़कियों को क्वारंटाइन देने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ स्टाफ शॉर्टेज है, लड़कियों को बोला जाता है ड्यूटी करो,
क्वारंटाइन बाद में देखा जाएगा। अंदर अगर पेशेंट के पास कोई बैठता है तो स्टाफ, बैरर, स्वीपर तीन के अलावा कोई अंदर नहीं जाता है। बाहर से जेआर फोन करते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन दो पेशेंट की, ये तो गंदे तरीके से बोलते हैं, हम क्यों दें उनको इन्फॉर्मेशन। वो अंदर आके की डाल के अपना राउंड ले। देखा आपने कैसे जो स्टाफ नर्स दूसरों की ज़िंदगी बचा रही हैं वो खुद मरने को मजबूर किया जा रहा है उनको। अब आप ही फैसला कीजिए, सरकार सही कर रही है या गलत? क्या सभी को आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि ये अपने घर परिवार, अपने बच्चों को छोड़कर हमारे लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, उनको सुविधाएँ दी जानी चाहिए, उनकी सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए।